डर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग स्टार्ट डाइट इज परफॉर्म हैंड एंड मशीन मिल्किंग द मिल्किंग प्रोसेस रिक्वायर्स सेवरल इम्पॉर्टेंट स्टेप्स तो जो मिल्किंग प्रोसेस है जो हम मतलब दूध लेने की जो प्रोसेस होती है काल से तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं कव शुड भी हैंडल्ड जेंटली कव कोडल करना चाहिए बड़े जेंटली और कियरफुली एट रेगुलर और मिल्किड केयरफुलट रेगुलर इंटरवल मिल्किंग शुड भी प्लीज एंट एक्सपीरियंस फॉर द कव डर एनिमल एबल टू इजेक्ट एंटायर मिल्क तो जो मिल्किंग होती है जो हम मतलब मिल्किंग गाय से दूध ले लेते हैं ये जो ये होल प्रोसेस जो हो, होना चाहिए ये बहुत ही एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर द काउ सो डैट जो भी इसमें मिल्क होगा ये वो आराम से इजेक्ट कर सके या ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वो मतलब कुछ भी अनप्लीजेंट फील करे और उसके अंदर मिल्क वहीं पर आधा रहे ना वट आर प्री मिल्किंग एक्टिविटीज़ दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्रपरेशन ऑफ मिल्किंग एरिया और पार्लर एंड प्रपरेशन ऑफ एनिमल्स फॉर द मिल्किंग तो इसमें क्या क्या आता है इसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ मिल्किंग एरिया प्रिपरेशन ऑफ एनिमल फॉर मिल्किंग क्लीनिंग मिल्किंग शेड बिफोर मिल्किंग ब्रशिंग और वाथिंग ऑफ काउज बिफोर मिल्किंग रिमूव द डर्ट फ्राम इट्स बॉडी जो भी इसकी बॉडी पे जो डर्ट होता है ये इसको रिमूव करना चाहिए पहले इसको रिमूव करना चाहिए उसके बाद इनको मिल्किंग के लिए लेना होता है मिल्किंग जो होते हैं वो क्लिन होने चाहिए ड्राई होने चाहिए मिल्किंग रोटी एट टाइम शुड भी एंटायरली स्ट्रिकली फॉलोड सम अमाउंट ऑफ कंसनट्रेट मिक्सचर शुड भी ऑफोड एट द टाइम ऑफ मिल्किंग तो कुछ अमाउंट ऑफ कंसनट्रेट मिक्सचर फूडर हमें कामें काव को उस टाइम पर देना चाहिए ताकि वो फूड वहाँ से खाएँ और milking equipments should be clean and dry milking routine and time should be strictly followed some amount of concentrate to usko hame offer karna chahiye some kind of food at the time of milking kicking of the cow at the time of milking can be prevented by using anti cow kicker or milk man's rope तो अगर मतलब milking के time पे अगर kicking uh, मतलब अब uh, देखा uh, हो सकती है वहाँ पे तो वो उसमें use करना चाहिए anti cow kicker और milk man's rope other treat ट्री, should be washed with lukewarm water and dried with a paper towel or cloth milkers nails should be properly trimmed and his hands should be थारोलिक वॉश बिफोर मिल्किंग इनकर मिल्किंग एंड पोर हाइजीन गिव लो क्वालिटी मिल्क तो हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए मिल्क मिल्क मेन्स जो नील्स होते हैं वो प्रॉपरली ट्रम होने चाहिए तो वो उसको मतलब चुभने नहीं चाहिए टीट्स को तो ये इनकर इनकर मिल्किंग शुड बी एवॉइड तो क्योंकि वो हमें फिर लो क्वालिटी मिल्क उसमें हमें हील्ड हो सकता है नाउ दीज आर सम पिक्चर्स विच शो दस वॉशिंग ऑफ अडर विद फिगर वाइपिंग ऑफ अडर विद स्लीक लिकवर्म वाटर पोस्ट मिल्किंग टीट, टी डिपिंग। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग मेस्टाइट्स इज पोस्ट मिल्किंग टी डिपिंग विद ए जर्मी सइड तो क्या होना चाहिए इसमें पोस्ट मिल्किंग के बाद हमें क्या करना चाहिए टीट को डिप करना चाहिए ताकि कंट्रोल हो मैस्टाइटिस डिजीज़ वो हमें जर्मिसाइड से उसमें हमें डिप करना चाहिए तो इसका क्या पर्पस क्या है इसका इज़ इस टू रिमूव जो मिल्क रेसिडियज़ होते हैं और प्रिवेंट एंट्री ऑफ औरगेनजम थ्रू टीट एंड तो इसका क्या पर्पस है एक तो मिल्किंग जो प्रिवेंट हो जाए एंट्री ऑफ औरगेम थ्रू टीट एंड और जो डिपिंग प्रोसेस है वो रिमूव करे सारे मिल्क रेसिडियज़ टीट डिपिंग डज नॉट रिड्यूस एग्जस्टिंग इन्फेक्शन टीट डिपिंग डज नॉट रिड्यूस जो टीट डिपिंग है उसमें एग्जस्टिंग इन्फेक्शन जो होते हैं वो रिड्यूस नहीं हो जाते हाउ एवर जो रेट ऑफ न्यू इन्फेक्शन वो रिड्यूस होंगे बाई फिफ्टी परसेंट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क मिल्क शुड भी स्टोर इन क्लिन कर्स विद अड एंड कैप्ट अ कोल तो मिल्क क्या होना चाहिए स्टोर होना चाहिए इन कूल कंटेनर्स विद अ अड कैप्ट कूल फोर डिग्री पे इनको हमें स्टोर करना चाहिए और शेडी प्लेस में इनको रखना चाहिए धूप में इनको नहीं रखना होता है इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन क्लीन कंटेनर्स उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए इन क्लीन कंटेनर्स में ना वट इज़ ऑफ मिल्किंग सेल्स जो मिल्किंग सेल्स होते हैं एंड एरिया और क्लीनर टू अवॉइड द कंटामिनेशन ऑफ मिल्क अब इसमें मेथड्स कौन कौन से हैं इसमें मेथड्स हैं Milking can be done by hands or machine. Milking by hands is the traditional way to remove milk from lactating animals. तो हैंड से भी कर सकते और machine से भी कर सकते हैं हैंड्स तो काफ़ी मैनुअल और ट्रेडिशनल प्रोसेस है तो मिल्क हैंड मिल्किंग इज़ सूटेबल जो लो टू इनकम यूल्डिंग एनिमल्स होते हैं उनमें इसमें दो टाइप्स के मेथड्स इन प्रैक्टिस है एक तो फुल हैंड मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग फुल हैंड मिल्किंग स्टार्ट्स विद होल्डिंग टीट्स इन हैंड फिंगर्स encircling the teats the base of the teat is blocked by the forefinger and thumb which form a ring the alternate manner of the compression and relaxation of the two teats at quick succession takes out the milk at very fast rate and it sounds like a continuous stream तो स्ट्रिपिंग इज पर प्रेफर्ड वन द टीट्स ऑफ एनिमल्स आर स्मॉल जो स्ट्रिपिंग होती है वो जो टीट ऑफ एनिमल जो स्मॉल होंगी उसमें हमें स्ट्रिपिंग मेथड फॉलो करना होता है जो टीट होती है वो स्क्वेज होती है फॉर्मली एट द बेस विद थंब एंड फोर फिंगर की से उसको स्क्वेज किया जाता है स्क्वीज किया जाता है फॉर्मली देन ड्राॅंग दैम डाउन द लेंथ ऑफ द टीट प्रेसिंग इट सी टू कॉज द मिल्क टू फ्लो डाउन इन ए स्ट्रीम द प्रोसेस इज रिपीटेड एट एट वेरी सजेशन तो यहाँ आप देख सकते हो मेथड ऑफ मिल्किंग मेथड ऑफ नकलिंग ना, यहाँ पे मिल्क मशीन मशीन मिल्किंग इज द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग मिल्क फ्राम अडर ऑफ डेयरी एनिमल्स बाई मिल्किंग मशीन इट रिमू रिड्यूसिज द हार्ड वर्क अनलाइक हैंड मिल्किंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मिल्किंग मशीन इज़ टू पुल आउट मिल्क फ्राम द ट्रीट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव प्रेशर एट द ट्रीट एंड एंड टू अप्लाई पीरियडिक मैसेज टू द ट्रीट तो उसमें हमें एक क्या होता है इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल होता है उसमें मिल्क पुल करना होता है आउट ऑफ द ट्रीट थ्रू द एप्लीकेशन थ्रू द ट्रीट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव प्रेशर एट द टीट एंड नगेटिव प्रशर हमें टीट एंड के पास देना होता है और उसमें अप्लाई करना होता है एक पीरियडिक मैसेज जो प्रिवेंट करती है कंजेशन ऑफ मिल्क एंड लिफ इन द टीट द मेजर पार्ट्स ऑफ मिल्किंग मशीन और वैक्यूम पम्प उसमें वैक्यूम पम्प होता है एक मेजर एकमेंट होता है एक मेजर पार्ट होता है पलसेटर होता है टीट कप होता है एंड कनेक्टिंग ट्यूब्स मशीन मिल्किंग इज़ फास्टर दैन हैंड मिल्किंग एंड इट रिक्वायर्स लेस लेबर तो इसमें लेस लेबर एक तो ये फास्ट प्रोसेस है और इसमें लेस लेबर कि जरूर लेस लेबर चाहिए होता है तो यहाँ आप देख सकते हो मोबाइल बकेट टाइप मिल्किंग मशीन सूटेबल फॉर मीडियम साइज डेयरी फार्म्स तो जो मीडियम साइज डेयरी फार्म्स होते हैं तो वहां पे मोबाइल बकेट टाइप ये यूज हो जाती है फॉर मिल्किंग प्रोसेस यहाँ आप ये यह देख सकते हो इंशाल्लाह टुमारो वी विल Go for session second. Thanks for today.